आप एक चीज भूल गए थे। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा शांत अच्छा लग रहा है और साथ में पीछे हाईवे चल रहा है जो आप देख रहे हो। तो दोस्तों हम आ गए हैं गुग्गा मैडी पे। ये रास्ता निकल रहा है हमारा नाडे साहिब से होके पंचकूला, और ये देखो यहाँ पे लिखा शिव गोरख जय गुग्गा जहर वीर की, ठीक है। तो यहाँ पे अभी गेट ओपन है भाई मंदिर का, और साथ में ही ये जाता है रास्ता हमारा गढ़ियाल मोरनी और साधना, ये रोड जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अब चलते हैं गुग्गा माड़ी की तरफ। ये बिल्कुल ही पहाड़ियों को काट काट कर ये रास्ता बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई बहुत अच्छा निवारण है, काफ़ी ज़्यादा शांति है। और मीनू भी यहाँ पे खड़ी है, तो मैंने इसको यहाँ खड़ा दिया, मैं वहाँ से ब्लॉग बनाता हूँ। जय हो जय हो। यहाँ पे काफ़ी खुली वगैरह जगह है, मतलब जो खाना वगैरह जो लंगर वगैरह बनता होगा तो यहाँ बनता होगा वो चीज़, और वहाँ पे वो लकड़ वगैरह पड़ी है, और ऊपर आप देख रहे हो पहाड़ी आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि ये पहाड़ों को काट कर ही बनाई गई जगह, तो ये स्थान यहाँ पे दिया गया इनको। तो ये गेट है जी, यहीं से जूते खोल देते हैं ना, यहीं उतार देते हैं हम। बोतल लिया तभी हाथ धोएंगे ना। या भाई बाहर सेल्फी कर लियो। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा शांत अच्छा लग रहा है, और साथ में पीछे हाईवे चल रहा है जो आप देख रहे हो। पहले तो धोलो, मैं पहले तेरे धुलवा देता। ऐसे उतार दिए ना आपने? हाँ बस, तो फिर जरूरत नहीं है। आपको ले चलते हैं जहर वीर गोगा जी के दर्शन कराने मंदिर के अंदर। और यहाँ पे हमारे ये एक फाउंटेन टाइप बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे है कृपया मूर्ति और प्रसाद लगाए। चलो दूर से मत्था टेक लेते हैं, और यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत यहाँ रेस्ट के लिए बनाया गया है, यहाँ पे अभी लोक लगा हुआ है। तो इसका मंदिर का जो दरबार है हमारा मेन दरबार, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आप एक चीज भूल गए थे। थैंक यू। अरे मुझे मंदिर जाने का बहुत शौक है। महाराज का जो दरबार है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइट्स लगी है चारों तरफ, फॉल सीलिंग हो रखी है यहाँ पे। तो आपको ये इनका जो सामान है पूजा का वो रखा हुआ है, ये मेरा पासे वगैरह हो गए करता है, ठीक है। वो सारा यहाँ पे सामान है, और ये फोटो लगी है कि ये गोगा जी का चाबुक रखा हुआ है, जो मेन मूर्ति है वो यहाँ पे स्थापित की गई है। जय गोगा महाराज जी जय। और यहाँ पे उनकी पगड़ी आ गई है। तो ये जब यहाँ पे भीड़ हो जाती है दरबार के अंदर, तो यहाँ पे ये बाहर जाने का रास्ता इसकी पुलिया बना के खोली जाती है, तो दर्शन कर देते हैं हमारे गोगा महाराज के। जय। तो आपको चारों ओर दर्शन कराते हैं भाई, जहाँ जहाँ इनके स्थान है। जय माता रानी। ये हमारी काली माता का स्थान है, जय हो। और ये हमारे भैरव बाबा का स्थान है, और अब आपको चार चगिरदे घुमाते हैं। जय सबो सिंह महाराज की जय। यहाँ पे मीनू ने भी यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। ये आपको बाहर से एग्जिट द्वार है, और अब ये जो गेट है ये गोरखनाथ जी का दरबार है यहाँ पे। तो उनका यहाँ पे दूना है, ये देखो यहाँ पे उनका दूना स्थापित किया हुआ है। तो अब अंदर चलते हैं, ये गोगा जी का दूना है। यहाँ से भी ऐसे सेम एग्जिट का दरबार है, और ऊपर घंटी टांग पूरी ऊपर टॉप पे टंगाई गई है देखिए। और यहाँ से इसके एग्जिट का दरबार है, दो दरबार हो गए एग्जिट के। और यहाँ पे भी इनका जो पूजा वगैरह का सामान है वो यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे एक सुंदर नज़ारा ट्रैफिक का आप देख रहे हो, और साथ में पहाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वह
ऐसे आपको दिखाते हैं भाई मंदिर चारों ओर से। ये मोरनी साइड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड वाली माड़ी है, अगर आप यहाँ से जाते हैं तो यहाँ एक बार दर्शन करने जरूर आए। जय बाबा। और ये पीपल का पेड़ काफी पुराना लगा हुआ है, काफी पुराना है, पत्ते तो बिल्कुल नए हैं इसके वैसे, है ना भाई। आ गए हैं यहाँ पे डोमिनोज में, अपना पिज्जा ऑर्डर करते हैं। हमें यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं ऑर्डर दिए और काफी टाइम लगा, इतना टाइम 10 मिनट नहीं यार, काफी ज्यादा टाइम हो गया, 20 मिनट 20 मिनट हो गया ऑर्डर दिया, यहाँ पर पिज्जा नहीं मिल रहा भाई। मैं तो थक गई, पूछना क्या हुआ कि हमें ऑर्डर नहीं दे रहा भाई, क्या बात हो गई यार। बच्चे को इस तरह बच्चे को और एक बंदा नहीं अपने बच्चे को लेकर ऐसे खड़ा है कि फटाफट ऑर्डर आ जाएगा। गाइस तो हमें आधे घंटे बाद ठीक हमें पिज्ज़ा मिल जाएगा, जो कि एक स्मॉल साइज था, इतना टाइम लगाया इन्होंने एक छोटा सा पिज्ज़ा बनाने के लिए। तो फाइनली हमने यहाँ पे पिज्ज़ा फिनिश कर लिया, अब चलते हैं घर। मैकडी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हमें मैकडी का जो फूड था वो हमें पैक करवाना पड़ा, जिसमें हम लेके आए हैं यहाँ पे रखे हमने मैकडी वाली फ्रेंच फ्राइज, और ये क्या है मैकपफ, और ये बर्गर, और एक बीच में आ गया यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज का टुकड़ा, और बीच में एक और बर्गर जो है मेनू का, जो मेनू बाद में खा लूँगी, मैं खा लेता हूँ अपना सॉस का। बंटवारा होने के बाद मुझे कुछ इतना मिला और मुझे मैकपफ है वो भी आधा मिला, आधे से भी कम मिला मुझे तो, ठीक है। आपने इक्वली डिवाइड नहीं किया था। और ये रेट बढ़कर, चलो जो भी है खा लेते हैं। फीलिंग वगैरह अभी चेक करके दिखाते हैं आपको फीलिंग, तो भाई ओ माय गॉड क्या है भाई ये, चलो खाते हैं भाई इसको, टेस्ट करते हैं। सेकंड टाइम खा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम तो अच्छा था एक्सपीरियंस, सेकंड टाइम का देखते हैं। व्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पर, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना द पी के एल व्लॉग्स को।